हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्मार्ट अकाउंटेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ, और वो चीज ये है कि सबसे पहले ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा जो हेडिंग दिख रहा है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किसके लिए, पहले तो ये यूजफुल है, किस क्लास के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, और किस किस स्टूडेंट को ये सीखना चाहिए। तो पहले ये क्लास के लिए नहीं है, ये जो क्लास है ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जो कि जो व्यक्ति बिजनेस से रिलेटेड या जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नॉलेज रखना चाहता है वो इस चैप्टर को देख सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये स्टेटमेंट है जिसको हर किसी को पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कॉमर्स के स्टूडेंट को बीसीएस करके पता ही होना चाहिए, चाहे वो बीकॉम का हो, बीबीए का हो, एमबीए का हो, चाहे सीए सीएस किसी का भी हो, उसको सबको पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जनरली किसी को पूछा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट तो डेफिनेशन हर कोई बता देता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि अगर आपको क्या चीज नहीं आती है तो बोले सर मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना नहीं आता है। बोले क्यों? क्योंकि सर हमें जब बताया था तो 2 पेज बताए थे, हमारी बुक्स के अंदर 2 पेज का एक फॉर्मेट दे रखा है, और वो इतना बड़ा फॉर्मेट हमें पता नहीं चला। सर कैसे बताया? हमें बोला था कि आप ऐसे एक्टिविटीज को लर्न कर लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन आएगा उसको इस हिसाब से, पहले ऑपरेटिंग को करना है, फिर इन्वेस्टिंग को करना है, फिर फाइनेंसिंग को करना है, इस टाइप से आपने फॉर्मेट लर्न कर रखे, लेकिन हम ऐसा नहीं पढ़ने वाले। तो सर आप कैसा पढ़ाएंगे? देखिए हमारा जो पढ़ाने का जो बेसिक तरीका रहेगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझाना रहेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले तो प्रिपेयर किया जाता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है। सर मेरे पापा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करते, उनकी दुकान है। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, तो नहीं करते तो क्यों नहीं करते, और करते हैं तो क्यों करते हैं, कौन करते हैं, किसको करना कंपलसरी, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो देखिए आप, सबसे पहले ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है बेटा, ये जो प्रिपेयर किया जाता है वो हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS है, वो 3 है, अभी रिवाइज है। ये AS 3 के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर देंगे, प्रिपेयर करेंगे, वो इसके अकॉर्डिंग जब प्रिपेयर करेंगे तो इसको और वापस से डिस्कस कर देंगे। AS 3 क्या है इसके बारे में बता रहा है। अगर आपको इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को सीखना है मेरे हिसाब से, तो आप बाद में सारी चीजें मेरे से क्वेश्चन पूछने उतने पूछ लेना, लेकिन सबसे पहला मैं जो आपको बताता हूँ उसको ध्यान से सुनना है, और आपको मैं 100% कहता हूँ कि वो बच्चा अगर एक बार साइंस स्ट्रीम का भी होगा, और आज का अगर उसने पूरा वीडियो देख लिया, कंप्लीट वीडियो देख लिया वो भी ध्यान से, तो मैं आपको 100% बताता हूँ कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉमर्स वालों के लिए तो बहुत इजी बात हो जाएगी, जिनको हार्ड लगता है वो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हार्ड मानते हैं। मैं आपको 3 चीजों का अलग अलग मीनिंग बताने वाला हूँ बेटा। कैश का मीनिंग अलग बताऊंगा, फ्लो का मीनिंग अलग बताऊंगा, स्टेटमेंट का मीनिंग अलग बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट है, बोले सर कैश का मीनिंग क्या है, हम भी पता है, फ्लो का मीनिंग भी हमें पता है, स्टेटमेंट का मीनिंग भी पता है, लेकिन हम आपको हमारे हिसाब से बताएंगे। एक बार आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसके बाद में आपकी बातें सारी सुनी जाएंगी। देखिए सबसे पहले कैश क्या है? सर कैश का मतलब मनी, रुपया, पैसा, जो भी है ये सब। बिल्कुल बेटा आपने जो बोला है, कैश का मतलब जो मनी से रिलेटेड है, मतलब ये जो चैप्टर होने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर, पहले तो मैं आपको बताता हूं सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो टर्म 2 होने वाले हैं उसका ये पार्ट है बेटा। तो उसके लिए तो बच्चों के लिए देखना जरूरी, कंपलसरी है, उसको तो पूरा सीखना ही है, और बाकी बच्चों को भी देखना है। अब देखिए कैश का मीनिंग क्या है। देखो कैश का मीनिंग बेटा, हमारे यहाँ पर कैश का मतलब बताया जाता है मनी या पैसे से, लेकिन हमारे जैसे चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करना है बेटा, इस कैश को केवल कैश नहीं बल्कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को भी कंसिडर करना है। सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता क्या है ये आपने नहीं बताया। अरे या तो कैश या कैश के इक्विवेलेंट, मतलब कैश के जैसे ही कोई आइटम हो तो उसको भी कैश में कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल कैश है, बैंक का बैलेंस है, ये भी हमारा कैश में कंसीडर होगा, क्योंकि बैंक का बैलेंस का भी जो यूज होता है वो कैश की तरह कर सकते हैं हम। हर व्यक्ति को पेमेंट करने के लिए कैश देना कोई जरूरी नहीं है, अगर हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है तो क्या दे सकते हैं उसको, चेक दे सकते हैं, और चेक देके तो हमारे पास बैंक में बैलेंस होना चाहिए। थर्ड एक चीज है बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटी। सर ये मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है? ये इस टाइप की सिक्योरिटी होती है बेटा जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकती है, जब आप चाहो तब इसको अपन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब ये सुनते रहना और देखते भी जाना बेटा, स्क्रीन पे पूरा देखना है, जहां समझ में नहीं आता है उसके बारे में कमेंट करके बताना है।
देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक तो क्या चीज आई, कैश आई, एक क्या आया बेटा, बैंक बैलेंस आया, और एक मार्केटेबल सिक्योरिटी आई। कैश का मतलब समझ के आप लोग सब जानते हैं, रुपए से है, बैंक का बैलेंस अपन जानते हैं सर। मार्केटेबल सिक्योरिटी किस टाइप की सिक्योरिटी होती है? ये ऐसी सिक्योरिटी होती है बेटा जो जब आप चाहो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कोई 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए जरूरी नहीं कि अपन ने सिक्योरिटी परचेज की है या 6 महीने के बाद में कैश में कन्वर्ट होगा, ऐसी सिक्योरिटी इसमें नहीं आती है। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब आप एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आज के टाइम में ये जो स्टॉक परचेज करते हैं लोग, शेयर परचेज करते हैं, क्या करते हैं, आज आपने शेयर परचेज किया, आज आपने इन्वेस्टमेंट किया, कल क्या होगा? आपकी इच्छा है तो आज ही सेल कर सकते हो, उसको परचेज किया हाँ तो आज सेल कर दीजिए और आपके अकाउंट के अंदर वो पैसा वापस से आ जाएगा। तो ये इस टाइप की सिक्योरिटी होती है बेटा जो जल्दी से क्या हो जाती है, कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर पढ़ते हैं। तो कैश को थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ना है बेटा, कैश का मीनिंग जब भी ले तो थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट में लेना है, मतलब कैश, बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। सर फ्लो का मतलब इस चैप्टर को समझा रहा हूं, कैश का क्या होगा, फ्लो होगा, और जहां फ्लो नहीं हो वो इसमें आएगा ही नहीं पहली बात। तो अगर फ्लो नहीं हुआ है तो नहीं लिखना है बेटा इस स्टेटमेंट के अंदर, इस स्टेटमेंट की बात अभी बता रहे। जो ये स्टेटमेंट होगा उसमें अगर कैश का फ्लो हुआ है तो ही उसको रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा। सर कैसे होता फ्लो? फ्लो का मतलब बेटा बहना हो सकता है, मतलब फ्लो का मतलब क्या, बहना, और या फिर आना या जाना, आना जाना होता है बेटा। जो बाल्टी में पानी भरा हुआ होता है बेटा वो हमारा फ्लो नहीं हो रहा, वो तो पड़ा है, उसका हमें कोई लेना देना, उसकी हमें एंट्री नहीं करनी है। नल से ये देखो पानी पैसे बह रहे हैं, मतलब नल से पानी पैसे बह रहे हैं, मतलब ये हो रहा है बेटा कि हमारे बिजनेस में कुछ पैसा जा रहा है और कुछ पैसा आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा फ्लो। मतलब उसको हम बोल सकते हैं आउटफ्लो एंड इनफ्लो। हमारे बिजनेस में कैश का आउटफ्लो भी होता है और इनफ्लो भी होता है। तो मतलब आपको समझ में आने लगा होगा कि सर ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है सर? स्टेटमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट। अरे स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट? आपने स्टेटमेंट नहीं सुना? बस नहीं सुना है, और स्टेटमेंट नहीं सुना इसका मतलब आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। देखिए मैं आपको स्टेटमेंट से सीधा जोड़ता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। मेरे को स्टेटमेंट नहीं समझाना, पहले मेरे को समझाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे मैं आपको सच्ची बात बताऊ ना, आपको मैं 11th 12th BCOM BA जो भी बच्चे पढ़ते हैं मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। अरे हर व्यक्ति को पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होना है या क्या होता है। अरे यहाँ तक कि हमारे कॉमर्स वाले बच्चों को भी पता नहीं होता ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। उनसे पूछता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? अरे सर वही होते हैं जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस है, बस ठीक है इतना ही है। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे बिजनेस की क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजिशन को और फाइनेंशियल सिचुएशन को, फाइनेंशियल सिचुएशन को शो करते हैं। पहले तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, तो फाइनेंशियल पोजिशन को और फाइनेंशियल सिचुएशन को शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो हमारे फाइनेंशियल ईयर का एंड का प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट होता है। देखो आप एग्जाम्पल बता दो, जैसे ये पूरा एक 12 मंथ का पीरियड है, कितने महीने का, मंथ का, तो 12 मंथ का। अब इसमें क्या होता है बेटा, एक तो बनी होगी, एक बैलेंस शीट यहां बनी होगी, इसके बीच में कहीं पे भी बैलेंस शीट नहीं बनती है। बोले यू नहीं कि यहां आपकी इच्छा बना दो, नहीं बनती है जनरली बेटा, बना दो आपकी इच्छा है लेकिन बनती नहीं है। ये बैलेंस शीट फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनती है, देखो पहली बात तो ये मान के चलते हैं। दूसरा तो सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे क्या एंड में ही बनता है? बिल्कुल, एक अकाउंटिंग पीरियड का बनता है बेटा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें पहले तो इंक्लूड है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता चल गया है कि ये क्या होते हैं, एक तो साल के एंड में बनते हैं और ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन और फाइनेंशियल सिचुएशन को बताते हैं। सर ये पोजिशन और सिचुएशन को क्या बताते हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या होती पोजिशन। अरे फाइनेंशियल पोजिशन का मीनिंग हमारे यहाँ पर ये है कि हमारे बिजनेस में कितनी असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, दैट इज पार्ट ऑफ पोजिशन। हमारे बिजनेस में हम कितने लोगों से पैसा मांगते हैं, हमारे पास या हमसे कितने लोग पैसा मांगते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजिशन। ये कौन बताती है? अरे ये बताने का काम करती है बैलेंस शीट। तो आपको कभी पूछा जाएगा बेटा तो बैलेंस शीट नाम नहीं दिया जाएगा, आपको नाम दिया जाएगा पोजिशन स्टेटमेंट। अब बोले सर ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये तो हमें पढ़ा ही नहीं सर ने। अरे बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम पोजिशन स्टेटमेंट है। बोले अच्छा वो सर आपने बता दिया, तो सर ये फाइनेंशियल सिचुएशन कौन बताता है? अरे फाइनेंशियल सिचुएशन बोलिए या परफॉर्मेंस बोलिए। सर ये परफॉर्मेंस का मतलब, अरे आपके बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो कैसी सिचुएशन है, कैसी परफॉर्मेंस है उस बिजनेस की, और ये परफॉर्मेंस कौन शो करता है बेटा? तो हम बोल सकते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का काम क्या होता है? हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करना। अरे इसीलिए आप कभी पढ़ोगे तो जो इनकम स्टेटमेंट होता है, इनकम स्टेटमेंट वही पीएनएल बेटा, और इनकम स्टेटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, तो पोजीशन सॉरी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें बताइए मैंने 2 मिनट के अंदर, इसको आप 100% ये कैश फ्लो से रिलेटेड नहीं हो सकती है लेकिन आपके जीवन से रिलेटेड है। पोजीशन स्टेटमेंट क्या होती है, सॉरी पोजीशन सिचुएशन, पोजीशन क्या होती है, सिचुएशन क्या होती है, पोजीशन को कौन बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन को कौन बताता है, फाइनेंशियल सिचुएशन को कौन बताता है, और ये बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि वो हमारे एंटरप्राइजेस की, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल सिचुएशन को आपके सामने एक डॉक्यूमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करे, आपको प्रेजेंट करे कि उसका काम होता है। बोले ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छा समझा आपने, मतलब ये बताया आप चाहते हैं कि सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होता है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और सिचुएशन को हमारे ड्यूरिंग द ईयर एक्सप्लेन करके बताता है एंड में उसका एक डॉक्यूमेंट में। बोले हाँ सर। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है अभी तक तो लोगों को यही नहीं पता है, पहले ये सीख लीजिए, कैश फ्लो भी सीख रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है तो थोड़ा बता देता हूं आपको। एक चीज तो है बेटा बैलेंस शीट, आप सबको पता है। एक चीज है बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बोल सकते हैं। एक होता है बेटा नोट्स टू अकाउंट, ये दोनों से जुड़े हुए नोट्स टू अकाउंट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कभी बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो आपको नोट्स टू अकाउंट बहुत अच्छे से बताएंगे बेटा। और कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो वर्टिकल फॉर्मेट है, उसको हम कभी ना कभी एक्सप्लेन करेंगे बेटा। इसके बाद में बेटा दो चीजें और बची हैं, एक तो है बेटा चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड लास्ट जो हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने कैश का मीनिंग समझाया आपको और फ्लो का मीनिंग भी समझाया। कैश के अंदर कितनी चीजों को इंक्लूड किया हमने, तीन चीजों को, पहला कैश, बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। फ्लो का मतलब क्या होता है, अरे फ्लो का मतलब हमारे बिजनेस में कितना फ्लो हो रहा है उस चीज का, मतलब कितना आ रहा है कितना जा रहा है वो फ्लो। और स्टेटमेंट मैंने बता दिया बेटा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या काम हुआ सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ओवरऑल काम ये हुआ है कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो हुआ एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना आउटफ्लो हुआ। इसके बाद में भी बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है, क्या ये हम कैश अकाउंट या कैश बुक से नहीं देख सकते क्या? आप जो कैश अकाउंट और कैश बुक बनाते हैं अपने बिजनेस के अंदर उससे भी तो यही तो पता चलता है कि सर कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है। बिल्कुल पता कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल पता कर सकते हैं कि हमारे पास कितना कैश आया है कितना कैश गया है। तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके लिए कंपल्सरी होता है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, कॉर्पोरेट इन सेंस कंपनी के लिए ये क्या होता है, कंपल्सरी होता है। कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना कंपलसरी है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल, इसके साथ में क्या बनाना जरूरी है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कंपलसरी है। लेकिन दूसरे जो बिजनेस, जो फॉर्म के बिजनेस होते हैं, चाहे उसमें आप सोल प्रोप्राइटरशिप ले लीजिए, पार्टनरशिप ले लीजिए, उसमें वो अपनी इच्छा से बना सकते हैं, उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, ये आप मान के चलिए। इसीलिए आपके पापा जो दुकान पे कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं लेकिन बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं। बोले हाँ सर, अब पता चला, क्योंकि कंपनीज के लिए क्या है, ये कंपलसरी है। ठीक है सर, अब ये कंपलसरी है तो क्यों, उनके भी तो कैश अकाउंट और कैश बुक तो बनती है, वो क्यों नहीं बनाते, वो क्यों बनाते फिर एक्स्ट्रा कैश फ्लो स्टेटमेंट को? देखिए बेटा, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है बेटा, ये इन दोनों को तीन अलग अलग पार्ट में तोड़ता है, तीन अलग अलग पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। बोले कैसे सर? हमारे बिजनेस के अंदर तीन टाइप की एक्टिविटी होती है जो इसके अंदर रिकॉर्ड होती है, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर तीन टाइप की क्या होती है एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है। एक तो होती है बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैं आपको थोड़ा इनको समझाता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक होती है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीन टाइप की होती है, आपने बैलेंस शीट देखी होगी ऐसी। बोले हाँ सर। तो बैलेंस शीट के अंदर बेटा मैं आपको सबसे पहले आपको कुछ चीजें बताता हूं। एक तो है जैसे मान लीजिए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। बोले हाँ सर। दूसरी चीज है बेटा डिबेंचर्स। तीसरी है जो लोन वगैरह होते हैं,
ये तीनों की तीनों चीजें जो है बेटा वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। बोले सर इसका मतलब? अरे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ बेटा, कि देखिए हमारे बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्या रोल है वो समझिए पहले तो। अरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए क्या क्या ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन बिजनेस को चलाना कोई ऐसे हवा में नहीं होता है, बहुत मुश्किल से चलता है बेटा। उसके लिए हमें फिक्स असेट्स परचेज करनी पड़ती है। तो हमारे बिजनेस के अंदर कुछ फिक्स असेट्स होती है, आपको पता होता होगा। फिक्स असेट्स के अंदर एक तो फिक्स असेट्स के अंदर एक तो टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स होती है, और एक आपको पता होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। ये दो चीजें जो होती है, मतलब फिक्स असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये जो चीजें होती है बेटा ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। मतलब ऑपरेट हमारे बिजनेस को चलाने के लिए क्या कुछ हमें असेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्या? बोले 100% होती है सर असेट्स की रिक्वायरमेंट। तो मैं जो बता रहा हूँ वो यही बताना चाहता हूँ बेटा, कि जो असेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, असेट्स को परचेज करना पड़ता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। और असेट्स आएगी कहाँ से? हवा में। अरे सर हवा में तो कैसे आएगा, पैसे चाहिए गए। तो पैसे चाहिए तो फाइनेंस में जाना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले हमारे काम की कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। उल्टा चलते हैं लोग, सबसे पहले कौन से काम की होती है बेटा? सबसे पहले तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के ट्रांजिशन होते हैं, उस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ट्रांजिशन होते हैं, और उसके बाद में बिजनेस का ऑपरेशन चलता है। हमारा शोरूम जो चल रहा है वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं चलता है बेटा, यहाँ से शुरू हुआ होगा। बोले तो ठीक है सर, लेकिन फिर भी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होता होगा सर, कैश फ्लो नहीं बनाया तो भी चल सकता होगा। देखिए मैं आपको ऐसा तो नहीं कहता हूँ कि चले कि नहीं चले, एक बात बता दो, अगर आपको किसी कंपनी के अंदर क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, किसी बच्चे से पूछूं मैं कि अगर आप किसी कंपनी में क्या करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उस कंपनी का आप क्या चेक करेंगे? बोले सर हम पीएनएल चेक कर देंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे। पीएनएल क्यों चेक करते हैं? बोले प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट हो रहा होगा तो हम इन्वेस्ट कर देंगे, और लॉस हो रहा होगा तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरे बच्चे से पूछा तो भी यही बता रहा है वो। अरे मैंने बोला मेरे हिसाब से इन दोनों को आप बाद में चेक कर देना, मेरे हिसाब से आप सबसे पहले अगर किसी कंपनी के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करिए सबसे पहले। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझे आप, जिसके अंदर 5 आइटम मैंने बताया है, सबसे पहला कौन सा बताया? सबसे पहले बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल, उसके बाद में नोट्स अकाउंट, उसके बाद में चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट, एंड लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप इसको चेक करना सबसे पहले। क्यों सर? अरे किसी भी कंपनी का चेक करना, गूगल पे सर्च करो, सभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगा आपको, सभी कंपनी के। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये प्रॉफिट लॉस चेक करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? किसी कंपनी में आज प्रॉफिट है, क्या भविष्य में भी प्रॉफिट ही होगा? आज प्रॉफिट है मान लीजिए 2020 के अंदर, 2021, 2, 3, 4 यहां तक क्या हमेशा प्रॉफिट होगा? गारंटी है क्या? अरे हो सकता है यहां पर भी प्रॉफिट है, यहां पर भी प्रॉफिट है, यहां बाद में लॉस हो गया तो आपका इन्वेस्टमेंट तो वेस्ट हो गया। आज लॉस है लेकिन क्या हमेशा लॉस ही रहेगा? कोई जरूरी है, यहां आगे जाके प्रॉफिट भी तो हो सकता है। अरे बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और डायरेक्टर के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ये डिसीजन सबसे मेन चीज है, किसी को भी प्रॉफिट में और लॉस में लाना अपने हाथ का काम है, डिसीजन का काम है बेटा। अगर डिसीजन आप अच्छे ले सकते हैं तो क्या हो सकता है आपके बिजनेस को? आपके बिजनेस को हमेशा आप ये मत सोचिए कि आज मेरा बिजनेस लॉस में है। अगर आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं तो आप उस बिजनेस को धीरे धीरे प्रॉफिट में लेके आ सकते हैं। आप उसके प्रॉफिट लॉस को देख के आप उसमें ये डिसीजन मत लीजिए कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और प्रॉफिट को देख के यह मत करिए कि हमेशा उसमें प्रॉफिट ही होगा, फ्यूचर में जाके क्या हो सकता है। एक अच्छा डायरेक्टर कंपनी की पोजीशन को बहुत अच्छी कर सकता है, तो आपको इतना भी उम्मीद रखनी चाहिए कि एक खराब डायरेक्टर बहुत कुछ गड़बड़ कर सकता है, बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। बोले ये तो सही है सर, डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। आप सबसे पहले बेटा क्या करो, उसके डिसीजन पावर को देखिए उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या मतलब, समझे नहीं सर? किसी व्यक्ति ने अपनी बेटी के घर की बात बता रहा हूं, एक अपनी बेटी की शादी के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए, कितने 50 लाख रुपीज का क्या किया शादी में खर्च किए। लोग बोले अरे यार जोरदार शादी की है, तो बहुत पैसे वाला आदमी है। अरे बहुत बहुत ज्यादा खर्च किया, ये आदमी पैसे वाला है, ये आपने सोच के ही बता दिया कि बहुत पैसे वाला है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। आपने उसका अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा होगा कि ये जो उसने पैसे खर्च किए हैं, ये क्या हुआ है हमारे बिजनेस, हमारे कैश का क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। लेकिन इनफ्लो कहां से हुआ वो मैं बता रहा हूं आपको। अरे इस भाई साहब ने क्या किया है, 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है। ओहो बोलो
अरे ये जो पैसा खर्च किया, इसके पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं था, कंगाल था ये तो। ये 1 करोड़ का लोन लेके इसने किया है, पैसे वाला ही सर, ये तो मजा नहीं आया। अरे इसने दूसरा तरीका, इसने एक फ्लैट लिया और फ्लैट लिया मान लीजिए 50 लाख का, कहां से लिया देखना आप सुनना। अरे अपने जो पेरेंटल लैंड थी उस लैंड को क्या किया इसने, सेल किया 1 करोड़ में, और 1 करोड़ में सेल करके उसने 50 लाख का क्या ले लिया, फ्लैट ले लिया, अमीर हो गया क्या। अरे उसने अपने बिजनेस से कुछ नहीं कमाया बेटा, ये तो बेच बेच के कमा रहा, बेच बेच के ला रहा है सब। बहुत सारी असेट्स परचेज कर सकते हैं, लेकिन क्या हो गया उससे, आपकी बैलेंस शीट में दिखेगा, आप देखो इधर, ये अगर किसी असेट साइड में आप देखेंगे बैलेंस शीट देख के, जो अपन इन्वेस्टमेंट करने वाले थे इसमें आपको दिखेगा क्या, दिखेगा फ्लैट, दिखेगा कैश भी दिखेगा। अगर 1 करोड़ का लोन लिया था मान लीजिए, तो 50 लाख यहां बचे, तो लोग बोले 50 लाख का उसके पास कैश है, 50 लाख का उसके पास फ्लैट है, अरे आदमी तो पैसे वाला है। अरे आप इधर नहीं देखा अभी तक कि ये पैसे आए कहां से, इन्होंने 1 करोड़ रुपए लाया कहां से है, ये भी तो देखिए। पहले इनके पास जो क्या थी, जो उनके पास लैंड थी, अब वो लैंड इसके पास नहीं बची है, पहले इनके पास कोई लोन नहीं था, अब इनके पास क्या आ गया, लोन आ गया बेटा। अरे ये सब चीजें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती है बेटा, कि हमने पैसा जो खर्च किया है वो खर्च करना बड़ी बात नहीं है, वो खर्च किया तो लाया कहां से, किस सोर्स से लाया, किस एक्टिविटी से लाया, क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लाया है, क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से लाया है, या क्या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लाया है, ये हमें कहां से पता चलेगा बेटा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा। जिस बच्चे ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या वो कैश बुक का अल्टरनेट है, सॉरी क्या वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है क्या कैश बुक से काम चल सकता है क्या बेटा, तो नहीं बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है बेटा, वो इनफ्लो और आउटफ्लो तो शो करता ही करता है, पूरे साल में जितना भी ड्यूरिंग द ईयर जितना भी कैश का इनफ्लो हुआ और जितना भी कैश का आउटफ्लो हुआ वो तो शो करता ही करता है, लेकिन इसके अलावा सबसे मेन चीज ये है कि वो तीनों एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग से शो करता है। अरे ये सभी को पता होना चाहिए यार, ये जो मैंने बेसिक चीजें बताई है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, पोजिशन स्टेटमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट क्या होता है, और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करने के लिए केवल और बैलेंस शीट और पीएनएल को देख के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते बेटा, ये सबको पता होना चाहिए, केवल कॉमर्स वालों को ही नहीं, सभी को पता होना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट को आपको सीखना है, मैं आपको सिखाऊंगा बेटा। अब देखिए, अगर मैं इसकी फिर डेफिनेशन पूछूं, हर बच्चा बता सकता है, मैंने यहां पर लिखी भी है, देखना खाली पढ़ लो आप। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अरे क्या करता बताइए ना आप सर, इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करता है, और किसका इनफ्लो और आउटफ्लो, अरे कैश और कैश इक्विवेलेंट के, दोनों के जो इनफ्लो और आउटफ्लो के, सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जितना इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसको क्या करता है, शो करता है, और पूरे 5 साल का करता है क्या, जनरली नहीं करता है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम ऑपरेटिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बोले समझ गया सर, अब इस डेफिनेशन को कोई अगर रटना चाहे तो रटेगा। अगर मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो और स्टेटमेंट, इन तीनों का मीनिंग पता है आपको, आपका काम हो जाएगा। कैश का मतलब बता ही दिया है, फ्लो का मतलब भी बता दिया, फ्लो का मतलब थोड़ा और बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास मशीनरी है बिगिनिंग में 1 लाख रुपीज, और एंडिंग में जो मशीनरी है, मतलब 2020 की बात करें और 2021 में मशीन की बात करें, तो मान लीजिए 1,50,000 है। अरे हमारे को इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये मशीनरी को रिकॉर्ड नहीं करना है, इस 150 की मशीनरी को भी रिकॉर्ड नहीं करना है, इस चैप्टर में हमें जो डिफरेंस है बेटा 50,000 का, उसको रिकॉर्ड करना है, केवल एक चीज को छोड़ के कैश के डिफरेंस को रिकॉर्ड नहीं करना है। कैश का जो डिफरेंस आता है बेटा, कि हमारे पास कैश बिगिनिंग में कितना था और कैश एंडिंग में कितना था, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर होगा। अभी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ बेटा, इसमें क्या करना है, देखो आप, मशीनरी पहले कितनी थी, बोले 1 लाख थी सर, बाद में कितनी होगी, 150 होगी, तो 1 लाख और 150 का कहां से आया, अभी पैसा कहां से आया। अरे 1 लाख और 150, पहले मेरे पास 1 लाख थी, वो अभी भी 1 लाख होती तब तो मेरा कोई कैश का ना तो आउटफ्लो था ना इनफ्लो था, मैंने क्या किया, 50,000 की मशीनरी और खरीदी होगी, तो मेरे पास से कैश गया होगा कि नहीं गया होगा। तो हमें जो स्टेटमेंट के अंदर जो रिकॉर्ड करना है वो इनफ्लो हो तो भी रिकॉर्ड करना है, मतलब कैश इंक्रीज हो तो भी रिकॉर्ड करना है, और कैश डिक्रीज हो तो भी रिकॉर्ड करना, आउटफ्लो हो तो भी रिकॉर्ड करना है। बोले ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए चीज कैसे रिकॉर्ड करना, से कैसे करेंगे हम इसको, कैसे सीखेंगे बेटा, हम सिखाने की गारंटी हम आपको लेते हैं, कि कैसे सिखाएंगे वो आप चिंता ना करें। एक जनरली थोड़ा सा एक फॉर्मेट होता है बेटा, ऐसा मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, वो बता रहा हूँ लास्ट में एक बार, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट देखा होगा आपने कभी,
आपकी बुक्स में स्टेटमेंट में आपको बता दूंगा कौन से पेज नंबर पे है। ये इस टाइप का एक स्टेटमेंट है, मान लीजिए ऊपर लिखता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सुनते रहना केवल, ये रुपीज की दोनों कॉलम है, दोनों ही कॉलम किसके हैं बेटा, रुपीज के। सबसे पहले यहां पर आता है बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये ऐसी एक्टिविटी होती है बेटा जिसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं टू मेथड से। वो होती है एक तो डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड से। लेकिन मैं आपको पहले बताता हूं बेटा कि हमारे सिलेबस में डायरेक्ट मेथड नहीं है, केवल इनडायरेक्ट मेथड ही है। डायरेक्ट मेथड उल्टा हार्ड है, इनडायरेक्ट मेथड उल्टा इजी है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। लेकिन हमारे को कौन से मेथड से पढ़ना है बेटा, केवल और केवल इनडायरेक्ट से। मैं आपको डायरेक्ट भी ऊपर ऊपर से बताऊंगा एक बार, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद में सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के पॉइंट आएंगे, उसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और उसके बाद में लास्ट आता है बेटा कैश फ्लो फ्रॉम, ये मेरे पास जगह नहीं है, आप ये मत सोचिए कि ऐसे कैसे बता रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये खाली समझाने के लिए बता रहा हूं कि वहां पर हमें क्या करना है। ये दो कॉलम है बेटा, इसके अंदर सारा जितनी भी चीजें इंक्रीज इनफ्लो आउटफ्लो होता है वो तो यहां लिखना है। अब जैसे मान लीजिए कोई मशीन अगर पहले भी 1 लाख थी, बाद में भी 1 लाख है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना बेटा। और मशीन किस एक्टिविटी से बिलोंग करता है, इन्वेस्टिंग से। पहले भी लोन 1 लाख था, बाद में भी लोन है, जैसे मान लीजिए ये लोन है, पहले भी 1 लाख और बाद में भी 1 लाख है, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन पहले 1 लाख और बाद में 80,000, तो इसका मतलब आपने 20,000 लोन का क्या कर दिया, रीपे कर दिया। ये लोन किससे रिलेटेड है बेटा, फाइनेंसिंग से। अरे इस 20,000 को रिकॉर्ड करना है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको रिकॉर्ड करना है और किसको नहीं करना है, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलो सर ठीक है, तो ये चीजें आपको मैं बता दी, लेकिन अब एग्जाम में कैसे आप इस क्वेश्चन को इजी बनाओगे। इन सभी को आपने यहां रिकॉर्ड कर दिया होगा, इसका जो मेन जो नेट इफेक्ट जो आया होगा वो यहां लिखा होगा, तीनों ही एक्टिविटी का नेट इफेक्ट यहां आता है बेटा। फिर क्या होता है सर, नेट इफेक्ट जो जैसे मान लीजिए यहां पर प्लस में आया, यहां माइनस में आया, यहां प्लस में आया, जो भी इफेक्ट आया वो आपने यहां लिखा होगा, इसको हम बोलते हैं बेटा नेट इंक्रीज या डिक्रीज। अगर प्लस में आएगा तो इंक्रीज और माइनस में आएगा तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये मैं थोड़ा ऐसा लिख रहा हूं, आपको सुन रहा, आपको समझ में आ रहा होगा कि भी मैंने क्या लिखा, ये रफ में बता रहा हूं, लेकिन आपको इसके बाद में मैं एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेट के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कल से। इसके आगे की क्लास में आपको सारा फॉर्मेट भी मिलेगा और क्वेश्चन करने का तरीका भी बताया जाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक चीज को ऑपरेटिंग में क्या इंक्लूड होते हैं, इन्वेस्टिंग में क्या होते हैं, सारी चीजें बता दी जाएगी। दो क्लास और देखेगी आधे आधे घंटे की, आपका ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखिए नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, लेकिन ये जो आया है बेटा, ये जो आपने लिखा है यही आपका आंसर है। बोले अच्छा, अरे हाँ अच्छा, नहीं ये है जो ये आपने लिखा है बेटा, ये आपका आंसर है। फिर इसमें क्या होगा, आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा होगा, वो भी लिखो यहां पर आप। और इन दोनों का जो टोटल होगा वो ऑटोमेटिक किसके बराबर होगा बेटा, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस से रिलेटेड। सर समझ में नहीं आया, एक बार वापस बताइए, एक सेकंड सुनिए आपका, नहीं क्या बताया मैंने, देखिए ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट के अंदर कैश दे रखा है मान लीजिए 2021-2022, यहां पर कैश दे रखा है मान लीजिए 14,000, यहां दे रखा है 20,000। तो बेटा ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा, वो ओपनिंग बैलेंस कैश का ऐसा कैसा लिखना है, मैंने आपको थोड़ा एक स्टार लगा के बताया था। सभी के तो लिखते हैं फ्लो अपन, लेकिन कैश के जो बैलेंस होते हैं उसका फ्लो नहीं लिखते बेटा, डायरेक्ट लिखते हैं। ओपनिंग कैश का बैलेंस यहां पर मैंने लिखा कितना, 14,000, देखना। और क्लोजिंग कैश का बैलेंस कितना है बेटा, यहां पर कितना दे रखा था, 20,000। तो ये तो आप पहले ही लिख लो, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये पहले ही लिख लो, ओपनिंग का दे रखा होगा और क्लोजिंग का भी दे रखा होगा, 100% दे रखा होगा, हर क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब आपका आंसर क्या आएगा, अब बेटा आप बताइए कि यहां पर 14 है और यहां पर 20 है, तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि ये 14 से 20 हुए हैं, तो आप बताइए कि अगर 6,000 से इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। आप सोचिए खाली कि 14 से अगर 20 हुए तो क्या 6,000 से इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, पूरे ड्यूरिंग द ईयर आपका जो कैश का बैलेंस पिछले साल का और इस साल का अगर अपन कंपेरिजन करें तो 6,000 से क्या हो रहा है बेटा, सर इंक्रीज हो रहा है। अरे बेटा जो 6,000 से इंक्रीज हो रहा है यही आपका आंसर है, मैंने बोला नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यही आपका क्या है, आंसर है। और यहां पर आपका आंसर लिख लीजिए पहले 6,000, एग्जामिनर पहले तो इसको ही देखिएगा कि ये सही आया कि नहीं आया। जब ये सही आ गया तो इसका मतलब वो आगे चेक करेगा कि भाई ये तो इसका आंसर तो सही है।
अब ये 6000 जो चेंज हुआ है, यही हमारा इस चैप्टर का काम था कि पूरे साल आपके जो कैश और कैश इक्विवेलेंट में जो 6000 का जो चेंज हुआ है वो कहां से आया? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया, इन्वेस्टिंग से आया या फाइनेंसिंग से? कहीं से कहीं से आया होगा। अरे हो सकता है कि 2000 यहां पर चेंज हुआ हो, 3000 यहां पर चेंज हुआ हो और 1000 यहां चेंज हुआ हो। मतलब यहां से 2000 कैश आया, यहां से 3 आया, यहां पर 1 आया, तो 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6000, 6000 + 14000 = 20000। अरे ये 6000 निकालना आया क्या? बोले नहीं आया सर, एक बार लास्ट सुन लीजिए। अरे बेटा मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास ओपनिंग कैश का बैलेंस कितना 14000, फिर क्लोजिंग कैश का बैलेंस कितना 20000, तो हमारे पास इस साल में कितना कैश इंक्रीज हुआ 6000, यही निकालना है हमारा आंसर, तो यही है। लेकिन वो इंक्रीज किस वजह से हुआ है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से हुआ है कि इन्वेस्टिंग की वजह से हुआ है या फाइनेंसिंग की वजह से? एक और एग्जांपल देता हूं, ये 2021, ये 2022, यहां पर कैश है मान लीजिए 50000 और यहां पर है 40000। अरे कैश कम हुआ कि नहीं हुआ? बोले हुआ सर। तो आप क्या करेंगे बेटा, इस फॉर्मेट के अंदर यहां पर कितना लिखेंगे 40000, यहां कितना लिखेंगे 50000। अरे 10000 से डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका जो नेट इफेक्ट आएगा, ये यहां पर जो नेट इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, उसमें नेट डिक्रीज आएगा 10000 से। कैसे आएगा? अब हो सकता है वो ऑपरेटिंग में कुछ चेंज हुआ हो सकता है कुछ इन्वेस्टिंग में हुआ हो सकता है कुछ फाइनेंसिंग में हुआ हो सकता है इससे 5000 बड़े हो इंक्रीज हुए, इसके अंदर 10000 इंक्रीज हुए, तो मान लो ये तो सॉरी 5000 हुआ, यहां पर 10000 हुआ, दोनों मिलाया कितना हुआ बेटा 15000। तो दोस्तों इसका मतलब तो 15000 प्लस में, तो यहां तो माइनस हो रहा है सर, तो इसका मतलब हो सकता है यहां पर बेटा 25000 क्या हुआ हो, माइनस हुआ हो। तो देखो इसका नेट इफेक्ट देखो, प्लस का 5000 प्लस का 10000 कितना हो गया 15000, तो प्लस के तो है 15000 और माइनस के है 25000, नेट इफेक्ट कितना आया होगा माइनस के 10000, माइनस के 10000 और 50000, क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा बेटा 40000। थोड़ा डिटेल से बताएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। आज मेरा ऑब्जेक्टिव इसको कराना नहीं था, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एग्जाम में हम कैसे करने वाले हैं। अरे कुछ नहीं करना इस कैश फ्लो के अंदर, लास्ट में जो कैश का जो बैलेंस है डिफरेंस, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, उसका आपको रीजन पता करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास आपको समझ में आई होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो आगे से देखने हैं, आगे से आगे इसका कंटिन्यू सीरीज देखना है, आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक के हो, चाहे टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, हम उसका सॉल्यूशन 100% अगले वीडियो के अंदर करवाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे बेटा करवाने की। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, ऑपरेटिंग में क्या होता है, इन्वेस्टिंग में क्या होता है, फाइनेंसिंग में क्या होता है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आधे घंटे की क्लास थी, ये इंट्रोडक्शन था कैश फ्लो के बारे में, बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और कॉन्सेप्ट से पढ़ना बेटा, मैंने दो वर्ड और बोले थे आपको बताओ, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड देखो क्या होता है, कैश का फ्लो ही करना पता करना है, इस क्या नाम इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश का फ्लो पता करना होता है बेटा। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है ना यहां पर, तो यहां पर जो शुरुआत होती है बेटा वो होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यहां से शुरू होता है। मतलब ये क्वेश्चन जो शुरू होता है बेटा वो नेट प्रॉफिट से शुरू होता है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो बेटा नेट प्रॉफिट कहां से निकलते हैं आपके पास? ट्रेडिंग होता है एक, तो क्या होता है ट्रेडिंग, एक क्या होता है प्रॉफिट लॉस। ट्रेडिंग से क्या आता है जीपी आता है, और पीएनएल से क्या आता है नेट प्रॉफिट आता है। मान लीजिए आपकी सेल है 10000 या 20000 रुपए, आपका जो एक्सपेंसेस है जो परचेज वगैरह जो एक्सपेंसेस है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल बोल सकते हैं, वो है मान लीजिए 10000 की। आपका जीपी कितना आया 10000, ये जीपी 10000 आया है तो ये जीपी कहाँ आएगा, बाय जीपी यहाँ 10000। इसके अंदर भी तो कुछ खर्चे हुए होंगे, बोले हाँ हुए होंगे, क्या क्या हुए होंगे, सैलरी हुआ होगा, रेंट हुआ होगा, कुछ गुडविल रिटर्न ऑफ हुई होगी, कुछ प्रोविजन बने होंगे, ऐसे कुछ हुए होंगे बेटा। तो देखो आप सैलरी मान लीजिए आपने 2000 का पे किया है, रेंट आपने 3000 का पे किया है, और गुडविल जो रिटर्न ऑफ हुई है वो 1000 की हुई है, आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया 4000। 10000 में से 2, 3, 4 और 1, 6 माइनस हुए तो 4000 का नेट प्रॉफिट आया। हम जो क्वेश्चन शुरू करेंगे वो यहां से करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इज 4000, तो हमने यहां से शुरू किया होगा।
अब इसमें से क्या करेंगे, कैश कितना गया वो लेस करेंगे। अरे कैश कितना गया वो भी तो लेस करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट तो आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसमें से कितना कैश गया वो माइनस करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, यहां से कैश गया है, यहां से भी गया है, यहां से भी गया है, सब जगह से कैश गया है बेटा। अगर मेरे को ये बोले कि डायरेक्ट मेथड बताओ आप, तो क्या होता बेटा, ये हम यहां पर ये जो शुरू कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? और इसके अंदर हम क्या ऐड करते, देखो मैं पहले डायरेक्ट बताता हूं, डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में क्या करते हैं हम, पहले सेल 20,000 लेस करते हैं, जो आउटफ्लो हुआ, जैसे कॉस्ट कितनी आई हमारी 10,000, तो पीछे कितना बचा और 10,000, फिर सैलरी भी पे किया, सैलरी कितना पे किया 2,000, फिर हमने क्या पे किया, रेंट पे किया, वो कितना किया 3,000, फिर बच्चे बोले गुडविल रिटर्न ऑफ में कितना पे किया, अरे गुडविल रिटर्न ऑफ में हमने पे नहीं किया बेटा, गुडविल रिटर्न ऑफ में कौन पैसा पे करता है यार, 10,000 में से 5,000 गया, पीछे कितने बचे, मतलब आपके पास अभी कैश कितना बचा बेटा, तो 5,000 बचा, ये बैलेंस है। यहां जो प्रॉफिट है और ये वाला जो प्रॉफिट है वो जरूरी नहीं है कि सेम हो बेटा, ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट सेम नहीं होगा बेटा, ये जरूरी नहीं है कि सेम हो, ये कैश प्रॉफिट है, मतलब ये गुडविल जो रिटर्न ऑफ हुआ है वो हमने कैश फ्लो के अंदर नहीं दिखाया है बेटा। कैश फ्लो के अंदर क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे पास से कैश थोड़ी गया था जो, बोले ये तो बात सही है सर, कैश फ्लो में कैश जाना चाहिए, सैलरी पे की तो गया, किसी को गुड्स परचेज किया होगा तो गया होगा, रेंट पे किया होगा तो गया होगा, लेकिन गुडविल को रिटर्न ऑफ करने के अंदर अपने कैश पे नहीं किया, बोले सही है सर। तो ये तो 5,000 निकालने का कौन सा मेथड है बेटा, डायरेक्ट मेथड है कि हमारे पास 5,000 का बैलेंस है, 20,000 सेल हुआ, उसके बाद में 10,000 कॉस्ट लगा हमारा, उसके बाद में 10,000 बचा, 10,000 में से 2,000 रिटर्न पे किया, 3,000 हमने क्या किया सैलरी और रेंट पे किया, उसके बाद में हमने ये बताया आपको। अब बेटा इनडायरेक्ट में क्या होगा, उल्टा चलना पड़ेगा, बिल्कुल उल्टा, मतलब आपने कुछ नहीं करना बेटा, आप यहाँ पर 5,000 पर देखो, पहले आपने यहाँ पर 6,000 लिखा कि 4,000 लिखा है, इसके अंदर बेटा ऐड करना पड़ता है नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, वहां पर तो कैश एक्सपेंसेस लेस करना पड़ता है और यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करना पड़ता है। नॉन कैश एक्सपेंसेस कितना है, केवल और केवल 1,000 है, ये वाला गुडविल रिटर्न ऑफ, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ता है बेटा, ऐड करना पड़ता है, ये मैं कल आपको डिटेल से बताऊंगा बेटा। तो ये वापस से 5,000 आ गया, ये 5,000 चाहे इनडायरेक्ट से करो चाहे आप डायरेक्ट से करो, दोनों से 5,000 मैंने बता दिया। देखिए बेटा ये पहली क्लास है हमारी कैश फ्लो की, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगी हो सकता है आपको इजी लगा हो, लेकिन आप अगर हमारी इस कैश फ्लो वाली सीरीज को पूरा देखेंगे, हो सकता है 4-5 वीडियो अपन इस क्लास के लिए बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे जिसमें आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके आएंगे, तो सारे क्वेश्चन को अपन देखेंगे, तो मैं आपको 100% कहता हूं कि आपके कैश फ्लो का क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक आपके फ्रेंड्स के साथ, और टर्म 2 का सिलेबस बहुत ही जल्द हम हमारे इस चैनल पे अवेलेबल करवाएंगे। हैव अ नाइस डे।